ये देखिए सामूहिक पलायन की ये तस्वीरें, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर, कोई एक शहर से निकलकर लोग कहीं और दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं। मुझे तो नहीं याद है कि ऐसी तस्वीरें हमने पहले कहाँ देखी थी, बाढ़ के दौरान या और किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान इस तरह की तस्वीर आपको नहीं मिलेगी कि पूरा हज़ारों लोगों का काफिला, हर उम्र के लोग, महिलाएं, बच्चे, आप देखिए युवा, बुज़ुर्ग ऐसे अचानक सड़कों पर निकल पड़े हैं। इन्हें पता नहीं कि इनको जाने का साधन मिलेगा कि नहीं, ये कैसे 200, 300, 400, 500 किलोमीटर का फासला तय करके अपने घर पहुंचेंगे, क्योंकि इनमें कोई आजमगढ़ का है, कोई बदायूं का है, कोई औरैया का है, कोई हरदोई का है, कोई लखनऊ का है। मैंने 2500 लोगों से, 500 लोगों से बात की, अब कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जाएंगे कैसे और किस उम्मीद से निकल पड़े हैं, ये क्या सोच कर निकले हैं, कैसे पहुँचेंगे, और दूसरी तरफ कि सरकार इनके लिए क्या करने वाली है, क्या सरकार की तरफ से कोई इंतज़ाम होगा, कोई व्यवस्था होगी कि आगे जा पाएंगे। लेकिन सरकारी व्यवस्था भी अगर ऐसे हज़ारों लोगों का सवाल हो तो फिर वो व्यवस्था कैसे होगी। मुख्यमंत्री योगी ने कल कहा था कि जो लोग यूपी से, दिल्ली के से यूपी की तरफ जाएं या उत्तर प्रदेश के लोग अपने शहरों में जाना चाहें, उनके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था हो, उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, खाने पीने का इंतज़ाम हो। रात में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक निर्देश जारी हुआ था, लेकिन अब ये तादाद अगर हज़ारों में है तो फिर इनके लिए क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ एक बड़ी चिंता भी है कि अगर इतने लोग जा रहे हैं, हम एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक दूसरे से कम मिलने जुलने की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यह हज़ारों लोगों का काफिला अपने गांव घर की ओर चल पड़ा है। अब पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। इनकी मुसीबत, इनकी मुश्किल अपनी जगह है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि खाने पीने के इंतज़ाम नहीं थे उनके पास, आटा दाल चावल सब महंगा हो गया, सरकार की तरफ से उनको कोई इंतज़ाम नहीं दिखा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके चक्कर में हम यहाँ रहते, इससे बढ़िया है कि हम अपने गाँव घर चले जाएँ।